डरो नहीं, ये भूभूति ले जाओ ऋषि के कमरा में और तेल फुटिया के सर पे मल देना और चटा भी देना, तब देखते हैं वो तेल फुटिया कैसे नहीं भागती है। लो, काहे डर रही हो, तुम सुरीली हो। जी दीदी। सुरीली दीजिए, देखिए अब हम कैसा कांड करते हैं दीदी, इसको हम उसका चेहरा पे लगाएंगे, हम मुंह में चटाएंगे। दीदी दीदी हम नहीं डरेंगे। मुट्ठी कहाँ चली गई? लगता है अनमोल सो गई। लग रहा है हम ही जाके देखते हैं। ये सुरीली भी ना भभूत का थाली यहां छोड़कर कहां चली गई? अगर गलती से भभूत किसी और को लग गया तो लगा देते हैं। ये चाची को क्या हो गया? चाची को क्या हो गया? चाची, दीदी वहां से पकड़ो, हम यहां से पकड़ रहे हो। वहां से पकड़ो, दीदी काम हो गया। चाची दीदी छोड़ दो मुझे और जाओ, हमको बहुत दूर जाना है। मेरे रास्ते से हम तुझे मार डालेंगे। छोड़ दो मुझे। अंदर लेकर चलो, कहाँ करें? लेकिन माँ, चाची को अचानक हो गया है। अरे समय है तुम्हें सवाल करने का, कुछ बोलते हो? अंदर ले चलो। चलो चलो सुरीली, चलो चाची बैठी है, बिठाओ इसे यहाँ। अरे बैठो। अरे क्या कर रहे हो, क्या हुआ सुरीली को? क्या हो गया? हम जा रहे रोड रास्ता सब बुला रहा है। ये ऐसा काहे कर रही? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी। अरे आज अमावस्या है ना, तो लगता है कि उसको ना भूत चढ़ गया है इसका ऊपर। हमको लगता है कि सबको चप्पल उतार के इसके मुंह में मारना चाहिए, भूत उतर जाएगा। ये ठीक नहीं है। चाची जी को लगता है किसी चीज का दौरा पड़ा है। आप लोग डॉक्टर को बुलाइए ना, और ऐसे जानवर की तरह बर्ताव नहीं कर सकते इनके साथ। तुम चुप करो, तुम्हारी हाइट की तरह तुम्हारा दिमाग भी बत्ते भर का है। टाटा वाली बिल्कुल ठीक कह रही है, भूत का यही इलाज होता है। सब मारो, उतारो अपनी चप्पल। चाची
ये सब गलत है, हम चाची जी के साथ ऐसे नहीं होने देंगे। आप लोग जिसको सुनाने का एक मौका तक नहीं छोड़ते थे, आज उसने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। थैंक यू अनमोल, तुम बहुत अच्छा काम की हो। हम तो एक बहू के रूप में अपना फर्ज अदा किए हैं ऋषि, लेकिन अफसोस ना तो आप और ना ही ये परिवार हमें अपना मानता है। काश आप हमें दिल से अपना मानते, पता नहीं ऐसा कभी हो भी पाएगा या नहीं। तो तू हमको क्या हुआ? तुमको कुछ भी याद नहीं क्या? नहीं। ऋषि हमको बताया कि कल तुम उसके कमरे में गई थी, और पता नहीं अचानक तुमको क्या हो गया। ये बबूत उसके सर पर मल देना और थोड़ा सा उसको जीभ पर चटा देना। हे काली कपालिनी, हे चामुंडा देवी, हे विद्या माई, हे बजरंग बली स्वामी, दुहाई हो दुहाई हो दुहाई हो। हमरा बेटी को नजर गुजर से बचा के रखिए, हमरा बेटी परीक्षा में पास हो जाए। हाँ, बुटकी को फेल कर दीजिए। ये का तरीका है मन्नत मांगने का कि हमारी बेटी पास हो जाए और दूसरी की बेटी फेल हो जाए? गजा! अब भतीजे को बोले तो इतना मिर्ची लग गया आपको, अब मन्नत नहीं मांगे तो क्या भगवान से भंडारा खुलवा दें? अरे कम से कम आज के दिन तो शुभ शुभ बोलिए कि सब बवाल के बाद कितना मुश्किल से हमारा पिंकी आज आखिरी तारीख को फार्म भर पा रही है। ये हो गया हमारा फॉर्म सबमिट। अरे ये धरिए धरिए धरिए। हे लैपटॉप माई, जय हो जय हो जय हो जय हो। अब देखिए हमारा बेटी तो अपना काम कर दी, अब आप भी अपना काम पर लग जाइए। आकाश पताल सब कसहू एक करके हमको प्रश्न पेपर का इंतजाम करिए। हम अपना बेटी को डॉक्टर बनाकर ऋषि के मुंह पर झन्नाटा दर तमाचा मारेंगे, तब बुटकी को जो ऋषि के कहना पर चन्ना के झाड़ पर चढ़ रही है ना, उसको अपना औकात समझ में आएगा। अनमोल लाओ तुम्हारा डॉक्यूमेंट, जो तुम्हारा फॉर्म भर देते। तो पहले आप अपना भरिए ना। अरे पहले तुम्हारा भर देते। नहीं पहले आपका। लेडीज फर्स्ट होता है। तो आज जेंट्स फर्स्ट कर लीजिए। पहले आप अपना फॉर्म भरिए ना। अनमोल पहले आप के चक्कर में टाइम निकल जाएगा, लाओ जल्दी करो। और वैसे भी आज लास्ट डेट है और 5 बजे तक का ही टाइम है, इसीलिए देर मत करो, प्लीज जल्दी दो। इसीलिए तो कह रहे हैं पहले आप अपना फॉर्म भरिए। और वैसे भी हम भारतीय नारी जब तक पति के काम पूरे नहीं हो जाते तब तक अपने बारे में नहीं सोचती। अरे हम ये सब बकवास बातों पर बिलीव नहीं करते। अच्छा ठीक है, भगवान में तो बिलीव करते हैं ना। अब तो आज आपके फॉर्म को लेकर हमने भगवान से मन्नत मांगी है कि आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाए, इसीलिए प्लीज आप अपना फॉर्म भर लीजिए, पहले हमारी मन्नत का मान रख लीजिए। अनमोल तुम भी ना। अच्छा चलो ठीक है, हम पहले अपना ही श्री गणेश कर लेते हैं। चलो हमारा तो फॉर्म सबमिट हो गया। बधाई हो। अरे अब ये बधाई और मुबारकबाद बाद में देना, पहले लाओ अपना डॉक्यूमेंट्स दो। अब तुम्हारा फॉर्म भरना है ना।
चलो लाओ जल्दी करो। नहीं लाओ। जाके हाईफाई बंद कर दो। अरे दीदी उसको हाईफाई नहीं वाईफाई बोलते हैं। हमको सिखाओगी? अरे दीदी टीचर की पत्नी है, थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। ठीक है जाओ। फाइल क्यों रुक गया? इस इंटरनेट को भी अभी जाना था। इंटरनेट चला गया। आप दोबारा ट्राई कीजिए। एक मिनट। एक काम करते हैं, हम अपना मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं। अब हो जाएगा। इस ससुरा फूलों से काम होता है ये तो हमको पता नहीं था। शांत रहो। ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा है? ओहो लगता है ये मोबाइल का सिग्नल बहुत वीक है, इतना बड़ा फाइल अपलोड ही नहीं हो रहा है। अब क्या करें? अरे क्या अनमोल, अपने लिए भी मन्नत मांग लेती भगवान से। तुम चिंता मत करो, तुम ना अपने डॉक्यूमेंट्स और फोटो लेके जल्दी मुझे बाहर मिलो। अच्छा अनमोल जल्दी चलो, बैठो बैठो। दीदी ये लोग कहाँ जा रहे हैं? उन सब छोड़ो, इसकी पीछा करना होगा। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ये ऋषि का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। कोई बुटकिया को लेके इंटरनेट कैफे चला आया है, लेकिन हम भी देखते हैं कि टाटा वाली के रहते हुए बुटकिया का फार्म कैसे भरिएगा। भाई साहब हमको एक अर्जेंट फॉर्म सबमिट करना है, उसका आज लास्ट डेट है और टाइम भी बहुत कम है। हमको आधा घंटा के लिए आपका लैपटॉप मिल सकता है क्या? प्लीज आप जो चार्ज कहेंगे हम देने को तैयार हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। ऋषि की वजह से ना अपना पूरा प्लान तूफान में फिर जाता है। लगता है कि बोनी का आज फार्म ऋषि भर ही के रहेगा। हेलो कौन? तुमको बाहर एक गाड़ी दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रही है। एक बात बताओ कि अभी जो तुम्हारे दुकान में बॉनी के साथ एक लड़का आया है जो तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तुम उससे पैसा कितना लोगे? 200-300 लगेंगे। हम तुमको 5,000 देंगे। ठीक है बोलिए क्या करना होगा। ध्यान से सुनो, वो लड़का तुम्हारे कंप्यूटर से एक फार्म भर रहा है। कौनो कीमत पे वो लड़का वो फार्म ना भर पाए। समझ गया। शंभो बस अभी 5 मिनट हो जाएगा।
भाई से पूछिए जरा, लैपटॉप में थोड़ा काम है। भाई साहब सिर्फ 5 मिनट और बस हो रहा है। नहीं दे सकता, अर्जेंट काम है, समझिए बात। हमें 5 मिनट ही लगेगा, उसके बाद बैठ जाइए ना। अरे कहा ना सिर्फ 5 मिनट, ये फाइल अपलोड हो जाए। मालिक के आदमी आए हैं, उनका काम करना जरूरी है, वरना मेरी नौकरी जा सकती है, आप समझिए। ऋषि कर लेने दीजिए, वैसे भी 5 मिनट का ही तो काम है। एक काम करते हैं, हम इसको सेव करके रखते हैं, ठीक है? एक मिनट भाई। ठीक है भाई साहब, जरा जल्दी कीजिएगा प्लीज। दीदी क्या लगता है दुकान वाला काम करेगा ना? कैसे नहीं करेगा, पैसा में बहुत ताकत होता है। देखो उसने ऋषि को कंप्यूटर से उठा दिया है, देख रही हो? अब तो समय भी कम है, बस ऐसे ही थोड़े देर और वो रोक के रखे उसको। से 5 मिनट कहा था, अभी आधा घंटा से ऊपर हो गया है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे ये लैपटॉप है, दुकान तुम्हारी है। अरे हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट किए थे ना, और पैसा देने का भी तो बात हुआ था। पता है, लेकिन क्या करें, इंटरनेट चोर चल रहा है। मालिक के आदमी खड़े हैं, आपको पता है ना, इनका काम नहीं किया तो हमें नौकरी चली जाएगी। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए, हमको भी काम है। हाँ सर, आपके आदमी का ही काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसे ही 1.25 घंटा तक उसको रुका के रखो, ठीक है? वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया। हमें तो लगा था कि आज ऋषि फार्म भरवा ही देगा, लेकिन आपकी वजह से वो गुटकी का फार्म गया 12 के भाव। तुम बहुत जल्दी अधीर हो जाती हो सुनीली। अरे जब टाटा वाली है तो चिंता किस बात की, अब ये गुटकी फार्म भर के तो दिखाए। टाटा वाली। भाई साहब क्या कर रहे हैं, प्लीज बात को समझिए ना। हम स्टूडेंट है, हमारा फॉर्म भरना जरूरी है, और वो भी 5 बजे तक का टाइम है। प्लीज आप अपना काम बाद में कर लेना। अरे वाह, हम हमारा काम बाद में कर ले? तुम तो ऐसे ऑर्डर कर रहे हो जैसे हम तुम्हारे नौकर है। अरे हम ऑर्डर कहाँ दे रहे हैं, हमको सिर्फ 5 मिनट चाहिए। हमको चाहिए तो हम और पैसा देने को तैयार है। रुको, जबरदस्ती मत करो, वरना बाजार वाले को इकट्ठा करके तुम्हारी दुर्गति करवा देंगे, समझे? चलिए। अरे हम कब से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया भैया करके बोल रहे हैं, और आप की बात ही नहीं समझ रहे हो। चले बाहर जाइए, हमको लैपटॉप नहीं देना है, निकलिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए। जी क्या बदतमीजी, चलिए। दीदी वो तो हमारे ऋषि को मार रहा है। अरे मार नहीं रहा है, सिर्फ धक्का दे रहा है, शांत बैठो। दीदी वो मुझोसा दुकान वाला को पैसा मत दीजिएगा। चलिए रहने दीजिए ऋषि, लगता है फॉर्म भरना हमारे नसीब में ही नहीं, और वैसे भी अब आधा घंटा बचा है तो कुछ नहीं हो सकता। अनमोल तुम चिंता मत करो, फॉर्म तो तुम्हारा भरेगा, और वो भी आज ही समय से पहले। चलो बैठो। भगवान की शरण में आए हैं कि भगवान हमारा काम बना दो, ये है।
दीदी 5 बजने वाला है, 10 मिनट में कौन सा चमत्कार कर देंगे भगवान? मुझे तो अब भगवान के पास कंप्यूटर थोड़ी ना है और उतना फ्री थोड़ी बैठे हैं कि बैठ के इनका फार्म भरेंगे। यानी कि बॉनी का डॉक्टर बनने का सपना कुटुंब स्वाहा। अब टाटा वाले के रहते बॉनी डॉक्टर नहीं थोड़ी ना बन सकती है, समझी? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.